तो गाइस वीवो प्रो कबड्डी सीजन 7 का मैच नंबर 35 हमें देखने को मिलेगा पुनेरी पल्टन वर्सेस दबंग दिल्ली के बीच ईका एरिना अहमदाबाद में 10 अगस्त को रात 8:30 से लाइव ऑन ट्रांसपोर्टर हॉटस्टार। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं इसी मैच का प्रीव्यू। तो ये वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो आप क्या कीजिए बस शुरू से लेके अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए। तो गाइस पहले हम बात करते हैं दोनों टीमों के टू एड मैचेस के रिजल्ट के बारे में। तो दोनों टीमों के बीच टोटल 14 मैचेस हुए हैं, 8 मैच जीती है पुनेरी पल्टन, 5 मैच जीती है दबंग दिल्ली और 1 मैच रहा है टाई। मतलब हेड टू हेड के मामले में 3 मैच ज़्यादा जीती है पुनेरी पल्टन कंपेयर टू दबंग दिल्ली। वहीं पर अगर हम बात करें दोनों टीमों के स्टार्टिंग सेवन के बारे में तो पुनेरी पल्टन की स्टार्टिंग सेवन हो सकती है सेंटर पे पवन कुमार काडियान, राइट कवर पे सुरजीत सिंह, लेफ्ट कवर पे सांकेत सावंत, राइट इन पर अमित कुमार, लेफ्ट इन पर मंजीत, राइट कॉर्नर पे हादी ताजिक और लेफ्ट कॉर्नर पे गिरीश मारुति नैक। वहीं पर दबंग दिल्ली की स्टार्टिंग सेवन हो सकती है सेंटर पे नवीन कुमार, राइट कवर पे विशाल माने, लेफ्ट कवर पे अनिल कुमार, राइट इन पर चंद्र रंजीत, लेफ्ट इन पर मिराज शेख, राइट कॉर्नर पे रविंदर पहल और लेफ्ट कॉर्नर पे जोगिंदर नरवाल। तो ये हो सकती है इन दोनों टीमों की स्टार्टिंग सेवन। तो गाइस अब मैं आपको इस मैच का ड्रीम सेवन बता देता हूँ जो हम लगाने वाले हैं वन ऑफ द बेस्ट फैंटेसी एप्लीकेशन MPL पे। और आपको एक बात तो पता होगा ही कि जितने भी कबड्डी के मैचेस हैं उन सबका ड्रीम सेवन आपको कबड्डी किंग यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलता है। सो मेक श्योर टू चेक आउट कबड्डी किंग यूट्यूब चैनल। तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। तो पहले आपको यहाँ पर MPL फैंटेसी में क्लिक करना है, फिर जाना है कबड्डी के सेक्शन में, मैच नंबर 35 पुनेरी पल्टन वर्सेज दबंग दिल्ली, आपको कोई सा एक पॉट सेलेक्ट कर लेना है और आपको यहाँ पर एक टीम क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पर एक टीम क्रिएट कर लेता हूँ। तो गाइज मैंने टीम क्रिएट कर लिया है, आप अभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। आप भी चाहो तो एक ऐसी टीम बना सकते हो या फिर अगर आपको अच्छा खासा नॉलेज है कबड्डी का तो आप खुद से भी बना सकते हो। इसके बाद आपको बस पॉट ज्वाइन कर लेना है। तो डिस्क्रिप्शन में MPL का लिंक है, जल्दी से जाकर डाउनलोड करो और आज से ही खेलना शुरू कर दो। तो गाइस अब हम कर लेते हैं इन दोनों टीमों को थोड़ा सा एनालाइज। तो पहले हम बात करते हैं पुनेरी पल्टन के बारे में। तो सीजन के स्टार्ट में सारे मतलब जितने भी फैंस हैं कबड्डी के सब बोल रहे थे कि पुनेरी पल्टन बेस्ट टीम है, पुनेरी पल्टन इस बार बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। अनूप कुमार के कोच हैं इनके पास, नितिन तोमर है इनके पास, सुरजीत सिंह है इनके पास, गिरीश मारुति नायक इनके पास, मंजीत है, इतने सारे प्लेयर्स हैं, मतलब मैं नाम लेता रह जाऊं। लेकिन सीजन स्टार्ट होते होते क्या हुआ, पुनेरी पल्टन की टीम बिल्कुल फ्लॉप हो गई, लगातार अपने मैचेस हार गई पुनेरी पल्टन, वो भी बहुत बड़े पॉइंट मार्जिन से। लेकिन अनूप कुमार ने बता दिया कि क्यों है वो कबड्डी के लेजेंड, कबड्डी के सबसे बेस्ट प्लेयर, मतलब मोस्ट ऑफ द कबड्डी फैंस के फेवरेट प्लेयर, और उन्होंने अपनी टीम को वापसी कराया। उनकी टीम अब बहुत अच्छा कर रही है, लास्ट दो मैचेस वो जीते हैं, गुजरात को उन्होंने हराया है, सबसे बड़ी बात है। गुजरात को हराने से आपको वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा जो किसी टीम को हराने से नहीं आएगा। उसके साथ साथ पुणे ने प्रदीप नरवाल की पटना को भी हराया है, मतलब 3 times चैंपियन को भी हराया है, लास्ट 2 सीजन्स के फाइनलिस्ट को भी हराया है। मतलब अब फुल जोश में है पुनेरी पल्टन की टीम और अब वो कुछ भी कर सकते हैं, चाहे आप उनके आगे किसी भी टीम को ला दो। और मेरे हिसाब से अब वो दबंग दिल्ली को बिल्कुल हरा सकते हैं। और गाइज मैं इसके लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि जब नितिन तोमर इस टीम में आ जाएंगे तब ये टीम कैसा परफॉर्मेंस करेगी। हम सब जानते हैं कि नितिन तोमर कौन है, कैसे रेडर हैं। नितिन तोमर एक वन मैन आर्मी जैसे रेडर हैं जो अकेले 17-18 पॉइंट लेते हैं, 20 पॉइंट लेते हैं, सुपर 10 लगाते हैं, अपनी मैच को एक तरफा मैच जीत दिलाते हैं, अकेले रेडिंग करते हैं, अकेले पॉइंट लेकर आते हैं, उनको किसी की भी मदद नहीं चाहिए, बस उनको थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। जब भी वो आउट हो जाते हैं बस आप उनको रिवाइव दिला दो, कमाल के रेडर हैं। तो जब वो इस टीम में आ जाएंगे तो ये टीम मतलब आप कह सकते हो बेस्ट से सुपर बेस्ट हो जाएगी। तो उसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। देखते हैं कब आते हैं नितिन तोमर, पटना लेके बाद आएंगे जहाँ तक अभी तक रिपोर्ट है, होपफुली वो जल्दी रिटर्न करे। वहीं पर अगर हम बात करें दबंग दिल्ली के बारे में तो दबंग दिल्ली की टीम लास्ट सीजन जैसा बिल्कुल खेल रही है। लास्ट सीजन पहला वो सीजन था जहाँ पर दबंग दिल्ली की टीम क्वालिफाई हुई थी और इस बार वो उस परफॉर्मेंस को बिल्कुल कंटिन्यू कर रहे हैं।
बहुत अच्छा खेल रहे हैं अभी तक। सिर्फ जयपुर के सामने थोड़ी ढीली हुई थी दबंग दिल्ली की टीम, अदरवाइज़ उन्होंने अभी तक सबको पछाड़ा है और बहुत अच्छा खेल रही है दबंग दिल्ली की टीम। और मेरे हिसाब से इस सीज़न में दबंग दिल्ली की टीम क्वालिफाई तो फोर श्योर करेगी। अभी तक यार अभी के परफॉर्मेंस के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, जितनी कंसिस्टेंट दिख रही है वो फोर श्योर क्वालिफाई करेगी, लेकिन लीग बहुत बड़ा है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा हम कुछ कन्फर्म नहीं कह सकते। शायद इनका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बिगड़ जाए जिसके कारण ये क्वालिफाई ना हो पाए, लेकिन अभी के हिसाब से ये फोर श्योर क्वालिफाई करेंगे और इस बार ये अच्छा भी करेंगे। इस बार ये ट्रॉफी के आप कह सकते हो जीतने के इनके अच्छे खासे चांसेस है। होपफुली दबंग दिल्ली अच्छा करे, मैं पर्सनली चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मतलब हर लीग में दिल्ली की टीम अच्छा करे, बिकॉज दिल्ली मुझे बहुत अच्छी लगती है। होपफुली आगे का मैचेस में भी अच्छा करेंगे। टीम इनकी कमाल की है, नवीन कुमार कमाल के फॉर्म में है, चंद्र रंजीत कमाल के फॉर्म में है। डिफेंस को जरूर थोड़ा बहुत और अच्छा करना होगा, खासकर कवर्स को, तब ये टीम बहुत ही ज़्यादा और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो गाइस थोड़ा सा एनालाइज करने के बाद फाइनली अब हम इस मैच के विनर को प्रेडिक्ट करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो इस मैच में दबंग दिल्ली का पलड़ा थोड़ा भारी रहेगा, बिकॉज वो अभी ज़्यादा अच्छे फॉर्म में है, लेकिन यार पुनेरी पल्टन जीतती है तो ज़्यादा मज़ा आता है, बिकॉज उनके कोच जो है अनूप कुमार हम सबके फेवरेट प्लेयर हैं, हम सब चाहते हैं कि उनकी टीम अच्छा करे। अब वो अपनी टीम के लिए खेल तो नहीं सकते हैं, लेकिन कोचिंग करके अपनी टीम को ज़रूर अच्छा करा सकते हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि इस मैच को पुणे की टीम जीते, लेकिन चांसेस दिल्ली के ज़्यादा है वो सबको पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ और बहुत सारे फैंस चाहते हैं कि पुणे की टीम अच्छा करे, और मैं भी ऐसा चाहता हूँ, होपफुली पुणे की टीम अच्छा करे। बेस्ट ऑफ लक टू बोथ द टीम्स। तो गाइस ये तो था मेरा प्रेडिक्शन, आप भी अपना विनर प्रेडिक्ट कर सकते हो इस वीडियो के आई बटन पर क्लिक करके। वहाँ पे मैंने आपसे पूछा है कि इस मैच को कौन सी टीम जीतेगी, तो जाके वोट करो और आप कमेंट्स में भी लिखकर बता सकते हो। और बस यही थे वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए कैसे लगी आपको वीडियो, अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हम जैसे अगली कबड्डी वाली वीडियो बनाओ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और आपको कुछ नहीं करना, बस अगली वीडियो के लिए वेट करना है।